आज के आपका दूसरा वीडियो में आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे बातचीत, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन का नाम है उसने कहा था, लेसन टू, हिंदी किताब का लेसन टू उसने कहा था। इसका लेखक कौन है, शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ, पिता का नाम क्या है, मूल निवास स्थान क्या है, यही हम लोग आज जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आपको याद करने का तरीका क्या होगा, किसने कहा था भैया, किसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। विद्या कहाँ से, विद्या क्या है, क्या है मतलब कहानी है, इसका प्रकाशित हुआ 1915 में प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ 1915 में प्रकाशित हुआ। और यह 20वीं शताब्दी ऑप्शन में रहेगा, कब किसवीं शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी में ऑप्शन मारेंगे। उसने कहा था कि लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। मैं आपको पहले बता दूं कि सब जगह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको हमेशा खाली गुलेरी जी मिलेगा। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ, जन्म कब हुआ 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ। स्थान मतलब किस स्थान पर जन्म हुआ, तो जन्म हुआ था जयपुर, जयपुर कहाँ है, तो राजस्थान में। यानी गुलेरी जी का निधन कब हुआ, मतलब मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई थी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। अल्लाह का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ पे थे, तो एक हिमाचल प्रदेश में जगह है, हिमाचल प्रदेश में जगह है जिसका नाम है गुलेर नामक गांव, यानी कि गांव का नाम था गुलेर, क्या था गांव का नाम, गुलेर नाम था। गुलेरी जी का पिता का क्या नाम था, तो पंडित शिवराम नाम था, पंडित शिवराम। और इनके माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी नाम था, लक्ष्मी देवी नाम था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की शिक्षा बचपन में संस्कृत की पढ़ाई किए थे, बचपन में इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई किए थे। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 1899 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए, और 2 साल के बाद 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से ही इंटर किए थे। और 1903 ईस्वी में उन्होंने बीए किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे 1903 ईस्वी में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों का बस बता